हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कायरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन देखा था। कायरल कार्बन को पेपर के प्लेन में रिप्रेजेंट करने के हमने तीन तरीके देखे थे, पर्सपेक्टिव फार्मूला, वेज डेस फार्मूला और फिसर फार्मूला, उनका एक दूसरे में इंटरन कन्वर्जन देखा था। इस लेक्चर में आपको कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन बताऊंगा। कायरल कार्बन के दो कन्फिग्रेशन हो सकते हैं, रिलेटिव कन्फिग्रेशन जिसको डीएल सिस्टम कहते हैं, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन जिसको आरएस सिस्टम भी कहा जाता है। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन या डीएल सिस्टम। रिलेटिव कन्फिग्रेशन उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। डीग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, अगर डीग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल देखें तो इसमें OH की पोजीशन राइट साइड में है। इसकी मिरर इमेज देखें तो मिरर इमेज में OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है। अगर OH की पोजीशन राइट साइड में है तो इसको डी कहा जाएगा, और अगर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो इसको एल कहा जाएगा। डीग्लिसरल्डिहाइड फर्स्ट मॉलिक्यूल था जिसका डीएल कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग नॉमनक्लेचर किया गया था, इसलिए डीग्लिसरल्डिहाइड को इस सिस्टम के लिए रेफरेंस लिया जाता है। डीएल कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये है, डीएल कन्फिग्रेशन निकालते समय मॉलिक्यूल प्रॉपर फिसर प्रोजेक्शन फार्मूला में होना चाहिए। प्रॉपर फिसर प्रोजेक्शन फार्मूला में होना चाहिए इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन में होना चाहिए और हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे होना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मॉलिक्यूल प्रॉपर फिसर में होना चाहिए। अगर लास्ट कायरल कार्बन देखें हम, और लास्ट कायरल कार्बन पे OH NH2 राइट साइड में है तो कन्फिग्रेशन डी होगा। अगर उनकी पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो कन्फिग्रेशन एल होगा। अगर कभी ऐसा केस मिलता है जिसमें OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है तो डी होगा या एल होगा। प्रायोरिटी NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका हमें ध्यान रखना होगा, डीएल सिस्टम सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं होता है। सिमेट्रिकल कंपाउंड कोई भी वो कंपाउंड जिसका नॉमनक्लेचर टॉप और बॉटम से करने पर नॉमनक्लेचर सेम आए, जिसके किसी भी एंड से नॉमनक्लेचर करने पर नॉमनक्लेचर सेम आ रहा है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए कैपिटल डी और कैपिटल एल सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम CHO की मॉलिक्यूल की बात करें तो पहला मॉलिक्यूल अगर ये देखें तो ये प्रॉपर फिसर में नहीं है, क्योंकि इसमें CH2OH, अगर हम IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कायरल कार्बन, थर्ड कार्बन इज CH2OH, लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें डीएल निकालने से पहले इस मॉलिक्यूल को प्रॉपर फिसर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डीएल तभी निकाल सकते हैं जब मॉलिक्यूल प्रॉपर फिसर में हो। प्रॉपर फिसर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए CH2OH को बॉटम पे ले जाते हैं, H लेफ्ट साइड पे जाएगा, OH राइट साइड पे जाएगा, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा मिलेगा जिसमें OH राइट साइड में प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन डी है तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का भी कन्फिग्रेशन डी होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी प्रॉपर फिसर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप CHO है जबकि इसकी पोजीशन बॉटम में है। अगर यहां पर हम देखें लॉन्गेस्ट चैन तो वर्टिकल लाइन में है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे नहीं है। एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप वो है जो IUPAC नॉमनक्लेचर सिस्टम की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टॉप में आता है। अब अगर हमें CHO को टॉप पे ले जाना है तो CH2OH को बॉटम में लाना होगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन में 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया जाए तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता। इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पेपर के प्लेन में चेंज करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसमें OH राइट साइड में प्रेजेंट होगा, तो इसका कन्फिग्रेशन डी है। फर्स्ट दोनों ये कंपाउंड आइडेंटिकल हैं, और अगर ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं तो अगर सेकेंड का कन्फिग्रेशन डी है तो इसका भी कन्फिग्रेशन डी होगा। अब ऐसा भी केस हो सकता है जब मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, और अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हमें लास्ट कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो सबसे दूर प्रेजेंट है उस कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है। जैसे अगर ये अब यहां पे देखते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन पे अगर देखा जाए तो OH की पोजीशन राइट साइड पे है, और अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो इसका कन्फिग्रेशन डी होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें,
तो इस ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब इसमें तो चार कायरल कार्बन है, फिर कन्फिग्रेशन किस कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो यहाँ पे लास्ट कायरल कार्बन या जो फर्स्ट कार्बन से सबसे दूर पर प्रेजेंट कार्बन है उसके कन्फिग्रेशन से डिसाइड करेंगे। और अगर लास्ट कायरल कार्बन पे देखा जाए तो OH की पोजीशन राइट साइड में है, इसका मतलब इसका कन्फिग्रेशन डी होगा। अगर हम डी ग्लूकोज की मिरर इमेज को देखें तो डी ग्लूकोज की मिरर इमेज देखने पर OH मिरर इमेज में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, और अगर OH लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है तो इसका कन्फिग्रेशन एल ग्लूकोज होगा। एल होगा, इसका कन्फिग्रेशन एल है, ये मॉलिक्यूल एल ग्लूकोज होगा। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि डीएल कन्फिग्रेशन उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें एग्जाम्पल 5, तो ये एक अमीनो एसिड है। अगर इसमें यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रॉपर फिशर फॉर्म में लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऑलरेडी टॉप पे है, लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। अगर इसमें NH2 की पोजीशन देखी जाए तो NH2 की पोजीशन लेफ्ट साइड में है, और अगर NH2 की पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन एल होगा, ये एक एल अमीनो एसिड है। अगर हम 6 एग्जाम्पल की बात करें तो अब यहाँ पे OH की पोजीशन देखा जाए तो लेफ्ट साइड में है, NH2 की पोजीशन राइट साइड पे है, लास्ट कायरल कार्बन OH है क्योंकि नंबरिंग टॉप से करेंगे। लेकिन अगर OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है तो DL कन्फिग्रेशन का डिसाइड NH2 की पोजीशन कर बेसिस होगा। यहाँ पे NH2 राइट साइड में है और इसलिए इसका कन्फिग्रेशन D होगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 7 एग्जाम्पल की, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें अगर हम टॉप से नॉमेनक्लेचर करें तो भी 1 2 3 4 2 4 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लो 2 4 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाईक एसिड। अगर हम बॉटम से नॉमेनक्लेचर करें तो बॉटम से भी नॉमेनक्लेचर सेम आ रहा है, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाईक एसिड, और इसलिए इस मॉलिक्यूल के लिए DL सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता है। डीएल सिस्टम की तरह हमारे पास एक और रिलेटिव सिस्टम है, थ्रियो और इरिथ्रो सिस्टम। थ्रियो और इरिथ्रो सिस्टम उन मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है जिनमें केवल 2 कायरल कार्बन हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है तब इसका सिस्टम का यूज नहीं किया जा सकता, केवल तभी यूज कर सकते हैं जब मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है। अगर मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है और दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन इरिथ्रो होगा, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन थ्रियो होगा। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल को लिया जाए, अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल में हम देखें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में दोनों OH सेम साइड में हैं, सेकंड में भी देखा जाए तो दोनों OH सेम साइड में हैं, लेकिन अगर हम थर्ड में देखें तो दोनों OH अपोजिट साइड में हैं, फोर्थ में अगर देखा जाए तो फोर्थ में भी दोनों OH अपोजिट साइड में हैं। अब जैसे हमने देखा था डीएल कन्फिग्रेशन के लिए मॉलिक्यूल प्रॉपर फिशर फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें इरिथ्रो और थ्रियो देखते समय भी ये ध्यान रखना होगा कि मॉलिक्यूल प्रॉपर फिशर फॉर्म में होना चाहिए। 1 2 3 4 चारों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन चारों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रॉपर फिशर फॉर्म में है तो हम इनका इरिथ्रो थ्रियो या डीएल कन्फिग्रेशन फाइंड कर सकते। अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कायरल कार्बन, ये लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन पे अगर देखा जाए तो OH की पोजीशन राइट साइड में है, इस मॉलिक्यूल में दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन डी होगा। दोनों OH सेम साइड में है तो ये इरिथ्रोज होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, तो इस मॉलिक्यूल में भी OH लेफ्ट, इस मॉलिक्यूल में OH लेफ्ट साइड में है, दोनों OH सेम साइड में हैं तो ये एल इरिथ्रोज होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डी इरिथ्रोज और एल इरिथ्रोज एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो इसमें OH राइट साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन डी होगा। यहाँ पे दोनों OH अपोजिट साइड में हैं, और अगर दोनों अपोजिट साइड में हैं तो इसका कन्फिग्रेशन थ्रियो होगा। लास्ट में अगर हम फोर्थ मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है, और अगर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो कन्फिग्रेशन एल होगा। दोनों OH अपोजिट साइड में है, अगर OH अपोजिट साइड में है तो कन्फिग्रेशन थ्रियोज होगा। अब अगर यहाँ पे डी थ्रियोज और एल थ्रियोज को देखा जाए तो डी थ्रियोज और एल थ्रियोज एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं जिनका इरिथ्रो और थ्रियो के अकॉर्डिंग नॉमनक्लेचर किया जा सकता है।
अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दोनों बी आर सेम साइड में हैं, दोनों बी आर सेम साइड में हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन इरिथ्रो होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे डीएल नहीं लिख सकते, डीएल केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड के लिए लिखा जा सकता है जिनमें OH या NH2 प्रेजेंट हों, जो बायोमोलिक्यूल हों, अमीनो एसिड हों या उनके डेरिवेटिव हों। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दोनों बी आर अपोजिट साइड में हैं, और अगर दोनों बी आर अपोजिट साइड में हैं तो इसका कन्फिग्रेशन थ्रीओज होगा। अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दो OH ग्रुप हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो हमें देखने से लग सकता है कि ये मॉलिक्यूल थ्रीओज है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इरिथ्रोज और थ्रीओज निकालने से पहले मॉलिक्यूल को प्रॉपर फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये प्रॉपर फिशर फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ इंटरचेंज करना होगा, और इंटरचेंज इस तरह से करना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन में आ जाए। लॉन्गेस्ट चेन को वर्टिकल लाइन में लाने के लिए CH3 को नीचे लाते हैं, H को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, OH को राइट साइड में ले जाएंगे, तब जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो जस्ट बगल वाले इस कंपाउंड की तरह होगा जिसमें CHO टॉप पे आ जाएगा, OH ऑलरेडी राइट पे है, जो OH लेफ्ट पे था वो OH राइट साइड में आ जाएगा, CH3 बॉटम में आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर फिशर है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप में है। तो अब हम देखें अगर तो इसमें दोनों OH सेम साइड में है तो इसका कन्फिग्रेशन इरिथ्रो होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन पे है, दोनों OH सेम ग्रुप में आ गए हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन इरिथ्रो होगा। जो देखने में शुरू में लग रहा था कि शायद थ्रीओ है, वो रियल में देखा जाए तो प्रॉपर फिशर में आने के बाद दोनों OH सेम साइड में दिख रहे हैं, दोनों OH सेम साइड में हैं, तो ये इरिथ्रो है। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, RS सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।